अकबर और बीरबल की कहानियाँ। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हिंदुस्तान की दो ऐसी हस्तियाँ थी जिनके चर्चे दूर दूर तक थे। जी हाँ, हम उन कहानियों की बात कर रहे हैं जो है मुगल सम्राट महान अकबर और उनके समझदार दरबारी बीरबल के बारे में। सुहाना दिन है ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने महाराज। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है बीरबल। क्या है कि सुबह से मुझे एक बात परेशान कर रही है बीरबल। पर ऐसा क्या हो गया महाराज? जरा उन कौवों को देखो। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे राज्य में कितने कौवे हो सकते हैं? ओह मुझे माफ करना, तुम बीरबल जो हो, वैसे इस सवाल का जवाब तुमसे ज्यादा किससे पता होगा? बीरबल मुस्कुराया क्योंकि वो जानता था कि एक बार फिर राजा उसकी परीक्षा ले रहा है। वैसे महाराज, राज्य में तो लगभग 92,249 कौवे हैं। अकबर उसके जवाब से हैरान रह गया। क्या हो अगर जितना तुमने बताया उससे भी कहीं ज्यादा कौवे हों इस राज्य में? नहीं महाराज, फिर तो वो जरूर पड़ोसी राज्य के कौवे होंगे। और क्या हो अगर जितना तुमने बताया उससे भी कम कौवे हों? तो वो जरूर पड़ोसी राज्य में छुट्टी मनाने चले गए होंगे महाराज। तुम कमाल के हो बीरबल। एक अच्छे मिजाज के साथ दिन की शुरुआत करते हुए सम्राट अकबर बीरबल के साथ दरबार में आए। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। मेरे महाराज, वो दूर देश से एक विद्वान आपके दरबार में आया है। उसका मानना है कि वो दुनिया का सबसे समझदार इंसान है और वो ये साबित कर सकता है। सबसे समझदार? सच में? पेश करो उसे। और फिर उस आदमी को दरबार में लाया गया जहां उसने सम्राट को नमन किया। तुम दुनिया के सबसे समझदार इंसान होने का दावा करते हो? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए बीरबल की तरफ देखा। हाँ, इस मशहूर बीरबल से भी ज्यादा समझदार। सुनकर सम्राट हैरान रह गया। ओ, तो तुम बीरबल को जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत सुना है। पर आप जैसे महान सम्राट को एक समझदार दरबारी की नहीं बल्कि सबसे समझदार दरबारी की जरूरत है। तुमने सही कहा। मन ही मन अकबर हंस रहा था क्योंकि उसे पता था कि ये समझदार आदमी बीरबल को टक्कर नहीं दे पाएगा। एक बात कहूँ, बीरबल तुम्हारे सामने है, अब चलो साबित करो कि तुम उससे ज्यादा समझदार हो। बीरबल जो कब से शांत बैठा था अपनी कुर्सी से उठा और मुस्कुराया। शुक्रिया मेरे महाराज। हाँ तो बीरबल, क्या आप 100 आसान सवालों के जवाब देना पसंद करेंगे या एक मुश्किल सवाल का जवाब? वो घमंडी मुस्कुराया ये सोच करके उसने बीरबल को मात दे दी। अकबर भी थोड़ा असमंजस में थे क्योंकि वो समझ गए थे कि ये आदमी बीरबल को शर्मिंदा करना चाहता है। पर बीरबल ने कहा, आप बस एक मुश्किल सवाल पूछिए मुझसे जनाब। ठीक है, मैं तुमसे एक मुश्किल सवाल पूछूंगा, पर अगर तुम उसका जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें ये मानना होगा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। जी जरूर, आप पूछिए। ठीक है, तो फिर बताओ पहले कौन आया, मुर्गी या फिर अंडा? बीरबल मुस्कुराया और उसने कहा, जी मुर्गी। ये सुनकर वो विद्वान हंसने लगा। तुम्हें ये किसने कहा? आप शायद भूल रहे हैं कि आपको सिर्फ एक ही सवाल पूछना था जो कि आप पूछ चुके हैं। पर मैं क्या बात है, तुमने जो गड्ढा खोदा उसी में तुम गिर गए। अब तुरंत मेरी अदालत से निकल जाओ और इस बात का ध्यान रहे कि तुम जहाँ भी जाओ लोगों को बताना होगा कि इस दुनिया का सबसे समझदार इंसान कौन है। शर्मिंदा और लज्जित होकर वो आदमी अपना सर झुकाकर दरबार से चला गया। अचानक सम्राट के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। एक मिनट, शायद मैंने बीरबल की तारीफ कुछ ज्यादा ही कर दी। क्या सच में उसे लगता है कि वो सबसे समझदार है, मुझसे भी ज्यादा?
वो बीरबल की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, मुझे एक पेंटिंग चाहिए बीरबल, एक घंटे के अंदर मेरे लिए एक पेंटिंग बनवा कर लाओ। अकबर का आदेश सुनकर बीरबल हैरान था। महाराज, मैं तो एक मंत्री हूँ, मैं पेंटिंग कैसे बनाऊंगा? क्या तुम मेरा आदेश नहीं मानोगे? तुम्हारे पास एक घंटा है, एक अच्छी सी पेंटिंग बनाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बीरबल ने सर हिलाया, सम्राट के आगे नमन किया और दरबार से चला गया। अकबर ने दरबार की कार्रवाई जारी रखी। जब एक घंटा पूरा होने वाला था, बीरबल पेंटिंग को एक कपड़े में लपेटकर दरबार में वापस आया। जैसे ही बीरबल पेंटिंग को खोल रहा था, सम्राट बेसब्री से इंतजार में था और हैरानी की बात थी कि उस पेंटिंग में जमीन और आसमान के अलावा और कुछ भी नहीं था। ये कैसा मजाक है बीरबल? मेरे महाराज, ये पेंटिंग मैंने अपनी कल्पना से बनाई है। ध्यान से देखिए महाराज, घास खाती हुई गाय की पेंटिंग। हाँ, लेकिन घास कहाँ है? महाराज, घास तो गाय खा गई। और वो गाय कहाँ है? महाराज, गाय ने जब सब घास खा ही ली है तो वो भला इस बंजर जमीन पर क्या करेगी? वो वापस अपने बेड़े में चली गई। थोड़ी देर के लिए अकबर का चेहरा देखने लायक था, उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओ बीरबल, तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगा? तुम वाकई सबसे समझदार इंसान हो। और ये कहकर सम्राट ने अपने मंत्री को सोने के सिक्कों का थैला दिया और ऐलान किया कि दरबार यहीं बर्खास्त किया जाता है। मेरे साथ आओ बीरबल, एक जरूरी मसले पर तुमसे बात करना चाहता हूँ। और इस तरह महान अकबर और उनके मंत्री बीरबल दरबार से चले गए कुछ बहुत ही जरूरी मसले को डिस्कस करने के लिए। असल में ये एक पहेली थी जो आपको अकबर बीरबल की आगे की कहानियों में सुनने को मिलेगी।